पालक ठेपला बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में 2 कप आटा लेंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 कप बेसन मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, साथ ही इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, साथ ही थोड़ा सा ऑयल या तेल। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पालक का प्यूरे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 पालक के पत्तों को एक मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है और यही पालक प्यूरे हम इसमें यूज करेंगे। इसे भी हम मिला देंगे और अब यहाँ पर इन सारी सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आटा, बेसन, पालक और जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक नरम आटा गूंध लेंगे, जैसा कि हम पराठों के लिए बनाते हैं। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, आटा काफी लूज, टाइट, ढीला नहीं होना चाहिए, ये मीडियम टेक्सचर होना चाहिए। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा तेल इसके चारों तरफ लगाकर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। और यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर हटाकर इसे हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। और अब इस आटे का एक थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसको एक गोलाकार या राउंड शेप देंगे और अब बारी आती है इसको बेलने की। आप इसके ऊपर थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला हमें बेलना है। तो यहाँ पर ठेपले हमेशा पतले होते हैं, इसलिए हमें इसका जो टेक्सचर है, इसका जो साइज है वो पतला ही रखना है। जितना हो सके आप इसे पतला बेलें। आप इसके ऊपर आटा और डाल सकते हैं ताकि इसको बेलने में आसानी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी पतला ठेपला बेल चुका है, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी ठेपले भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ठेपले जो कि पतले पतले बना चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब यहाँ पर एक गरम तवा में हम ठेपले रखेंगे और इसे दोनों तरफ से हमें पकाना है, जब तक कि आप यहाँ पर एक भूरा ब्राउन स्पॉट ना देखें। 3-4 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और यहाँ देख सकते हैं आप, काफी स्पॉट्स ब्राउन आ चुके हैं। इसे थोड़ा सा तेल के साथ ब्रश करेंगे और इसे फिर से दूसरी तरफ पलट कर तेल से ब्रश करेंगे और इसे दोनों तरफ से पकाना है 3-4 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये ठेपला तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरीके से हमें बाकी के ठेपले भी पकाने हैं। और यहाँ पर काफी सारे ठेपले मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा नरम है। इसे मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ, ये देखिए। बुरानी रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 से 9 लहसुन की कलियां और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। और अब यहाँ पर एक बोल में हम कम से कम 1/2 कप दही डालेंगे या 5 से 6 बड़े चम्मच दही। इसे अच्छे तरीके से फेंट ले ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। और अब बारी आती है इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन के जूस को मिलाने की, जिसे हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ एक छन्नी की सहायता से हम इस जूस को छान लेंगे। इसे ज्यादा नहीं मिलाना है, 1 बड़ा चम्मच काफी है, वरना लहसुन का टेस्ट फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच दूध या पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें लहसुन का थोड़ा सा ही टेस्ट चाहिए। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मिलाएंगे, साथ ही स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस बुरानी रायता में आपको लहसुन का एक थोड़ा सा टेस्ट आएगा, ना कि चंक्स या बाइट्स आएंगे। इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है और अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से जीरा पाउडर और साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर के साथ। और यहाँ पर हमारा ये बुरानी रायता तैयार है। और अब बारी आती है इसको प्लेटिंग करने की। यहाँ पर मैं कुछ ठेपले रख दूंगी और यहाँ पर हमारे पालक के ठेपले बुरानी रायता के साथ तैयार है। एंजॉय।